लॉक अनलॉक होने के बाद का इंटरफेस है, सक्सेसफुली अनलॉक हुआ है। हेलो फ्रेंड, इस नए वीडियो में दोस्तों वीवो का सेट है, वीवो Y12 में पैटर्न लगा हुआ है। इस पैटर्न को लाइव आपको अनलॉक करके दिखाएंगे, तो प्लीज़ स्टेप को आप फॉलो करें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी इससे जानकारी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देख सकते हैं पैटर्न लगा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इमरजेंसी में डायलर पैड में जाके आपको ये कोड डायल करना होगा, *225#। इसको आप जैसे ही डायल करेंगे तो इसमें जो भी आप आगे वर्क करेंगे ये स्मूथली होगा। ये सारा कुछ जो है डेवलपर ऑप्शन सारा कुछ आपको अच्छा से ये कर देगा। तो इसको कोड को आपको 3 बार जनरली आपको डायलर पैड में डायल करना है। डायल करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद आपको सीधे बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको पावर ऑन ऑफ बटन को कुछ देर आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफ का सिंबल है, इसको आपको टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद आपको कुछ देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको पावर ऑन ऑफ बटन को आपको प्रेस करना है, और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ आपको प्रेस करके रखना है। दोनों को आप जैसे ही एक साथ आप प्रेस करके रखेंगे तो इसमें वीवो का लिखा हुआ सिंबल आएगा और आपका रिबोट और रिकवरी मोड यहाँ पे आएगा। तो आपको वॉल्यूम डाउन बटन का प्रेस से आपको रिकवरी मोड में आना है और पावर ऑन ऑफ बटन को आपको प्रेस करना है। आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपका इसका अगला जो स्टेप है वो आ जाएगा। यहाँ पे मेनू जो है उसका आपका आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं आ गया है, यहाँ पर क्लियर डाटा लिखा हुआ है, क्लियर डाटा है, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा है। यहाँ पे यदि आप अब ये चल जाएंगे तो आपका जो पैटर्न जो आप लगाए हैं भूल गए हैं ये आपको मांगेगा, तो यहाँ पे आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पे देखिए क्लियर कैच बोल के लिखा हुआ है, इसको पहले आपको सारा को हटाना है। तो यहाँ पे ये देखिए सक्सेसफुली ये हट गया है। इसको हटाने के बाद आपको बैक आ जाना है एक बार। यहाँ पे देखिए रिटर्न का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर रिटर्न के आने के बाद यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद चेक सिस्टम जो लिखा हुआ है चेक सिस्टम में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए चेकिंग हो रहा है, इसको आपको ज़रूर से क्लिक करना है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे चेकिंग पे, यहाँ पे देख सकते हैं चेकिंग हो रहा है और यहाँ पे आपको इस तरह से आपको लिखेगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको इसमें ओके करना है और ओके करने के बाद फिर से आपको चेकिंग में जाना है। अब जैसे ही चेकिंग में जाएंगे फिर से ये गोल गोल घूमेगा और आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, तो आपको इसमें ये करना ही है जो आके आपको पैटर्न जो लगा है वो पैटर्न आपका खुल जाए। इसको 2 बार हो गया, इसको और एक बार आपको करना है चेकिंग। ये चेकिंग आपको देख रहे हैं, चेकिंग हो रहा है इसमें, तो चेकिंग को आपको इसमें करते रहना है। ये देखिए यहाँ पे चेकिंग इसमें लिख रहा है, तो ये चेकिंग इसमें हो गया है चेक है। तो इसको 3 बार आपको कर लेना है। 3 बार करने के बाद यहाँ पर क्लियर डाटा में जाना है, फिर से आपको क्लियर कैच जो है लिखा हुआ है उसको आपको ओके करके इसको हटाना है। फिर आपको जब हट जाएगा रिटर्न आना है, उसके बाद और एक बार इसको हटा देना है। इसको हटाने के बाद फिर से एक बार रिटर्न आना है, और उसके बाद फिर से आप एक बार रिटर्न आएंगे। रिटर्न आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि चेकिंग सिस्टम है, इसको आपको और एक बार प्रेस करना है। इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपका चेकिंग करेगा। अभी थोड़ा सा घूमता है, ये टाइम लगता है, तो ये हो गया है। उसके बाद आपको फिर से क्लियर डाटा में जाना है। क्लियर डाटा में जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्लियर ऑल डाटा जो लिखा हुआ है उसको आपको प्रेस करना है। उसको प्रेस करेंगे तो इसमें देखिए आसानी से ले लिया है और वीवो लिखा हुआ भी आ गया है। तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगता है, तो वीडियो को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं।
सारा कुछ होने में। यदि आपका नहीं होता है तो आप हमको कमेंट करके बताएं, हम आपको उस पर सोल्यूशन बताएंगे। FRP को हम लोग फॉरवर्ड कर दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। देख सकते हैं दोस्तों, सक्सेसफुली जो है फ़ोन अनलॉक हो गया है सही तरह से। तो आपका भी यदि इस तरह का होता है, वीवो का ढेर सारे सेट में भी वर्क करेगा, तो ज़रूर आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।